दोस्तों पतंग के मांझे ने फिर एक बार एक परिंदे को अपनी चपेट में ले लिया है। ये देखिए कैसे ये जो कौवा है अपने पंख को फंसा बैठा है एक कटे हुए मांझे के फंदे के अंदर, और अब ये चाहकर भी अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में ये फंस चुका है। वेरी सैड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ब्लॉग जो कि नितिन में। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ब्लॉग अपना जारी किया था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कैसे चाइनीज़ मांझा जो है पक्षियों की जान ले रहा है, और आजकल लॉकडाउन के पीरियड में हम पतंगबाजी ज़्यादा कर रहे हैं जिस वजह से जो है वो सेम कंडीशन आजकल भी फेस करने को मिल रही है, और काफ़ी पक्षियों को इससे नुकसान हो रहा है। और अभी मेरे सामने जहाँ पे उस दिन मैंने आपको दिखाया था एक पैरेट जो है मांझे में आके मर गया था, उसी सेम जगह पे ही आज एक जो है क्रो जो है वो फंसा हुआ है। और अभी मेरे नीचे जो भैया रहते हैं उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुलाया है और वो अभी रेस्क्यू करने आए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे ये कौवा यहाँ कटे हुए मांझे की चपेट में आ गया है और कैसी प्रॉब्लम में ये फंस गया है। यहाँ तड़प रहा है ये बेचारा, और अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन के अंदर भी ये देखिए कैसे फायर एंड रेस्क्यू टीम तुरंत ही यहाँ पे एक्शन लेने आ गई है। मेरे नीचे वाले भैया ने इनको कॉल किया और ज़्यादा समय ना लेते हुए ये यहाँ पर आ गए हैं, और कितनी मुस्तैदी के साथ इन्होंने यहाँ पे जो है एक्शन लिया है, काबिले तारीफ है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी एक छोटी सी जान की रक्षा करने के लिए आना बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू टीम जो है इनको सेफ बचा लेगी पक्षी को। काफ़ी बुरी तरीके से वो चपेट में आ गया है। मैं एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे अपनी बालकनी से ये सब शूट कर रहा हूँ, और इसकी जहाँ पे अभी ये कौवा फंसा हुआ है काफ़ी ऊंचाई पे फंसा हुआ है ये, और कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है इसको रेस्क्यू करने का, तो एक बांस की मदद से ये लोग इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक के वहाँ पे मांझे का उलझ के एक फंदा शायद बन गया था, और वो जब इस क्रो का उसके अंदर पंख गया और वजन पड़ा तो वो फंदे ने उसको जो है जकड़ लिया है, इस वजह से जो है वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी छूट नहीं पा रहा है। आई थिंक इनको ये जो डाल है इसको अगर ये तोड़ के नीचे उतार लें उसके बाद इसको छुड़वाएं तो आई थिंक ज़्यादा सेफ रहेगा, बट दे आर मोर एक्सपीरियंस एंड परफेक्ट देन अस, सो माइट बी दे न्यू व्हाट डू दे हैव टू डू। ये देखिए पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो जने हैं, पूरी टीम है यहाँ पे इस बर्ड की जान बचाने के लिए, और अपनी हर कोशिश वो कर रहे हैं इसके लिए। और ब्लू और वाइट टी शर्ट में जिन्हें आप देख पा रहे हैं वही वो काइंड पर्सन है जिन्होंने इस टीम को इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुलाया है, और कितनी अच्छी बात है इंसानियत के लिए हाथ से कि आप समझ रहे हैं कि एक पक्षी की जान भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि किसी भी लिविंग बीइंग की, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो, सभी की जान की बराबर इम्पोर्टेंस है। और अब फाइनली डिसाइड किया है रेस्क्यू टीम ने खुद से ऊपर जाने के लिए, और वो देखिए ऑलरेडी एक मेंबर रेस्क्यू टीम के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कितनी भी तारीफ़ की जाए उनके स्टेप की वो कम है, अपनी जान हथेली पे लेके वो
उस क्रो को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वाकई में बहुत ब्रेव स्टेप है ये। एक परिंदे की जान बचाने के लिए इस हद तक रिस्क लेना रेस्क्यू टीम के द्वारा वाकई में बहुत बहादुरी भरा कदम है और बहुत ही काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं वो क्रो के पास। देखिए कैसे बैलेंस बना के वो जा रहे हैं वहाँ पे। और ये मैंने डाली को पकड़ लिया है, ये डाली को तोड़ा और आखिरकार उसको छुड़वा लिया है डाली को। That's great, very good। ये जो एफर्ट अभी इन्होंने यहाँ दिखाया है मानना पड़ेगा बहुत ही काबिल तारीफ है। विदाउट किसी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए इतनी ऊंचाई पे गए और बैलेंस बनाते हुए कैसे इस परिंदे को उन्होंने बचाया। वाकई में बहादुरी और इंसानियत की इन्होंने मिसाल पेश करी है। देखिए मांझे को अब वो जो फंदा उसके पंख पे लगा हुआ था उसको खोल रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मांझे की ये कारस्तानी थी, बल्कि मांझे की नहीं हम इंसानों की कारस्तानी थी जिन्होंने पतंग उड़ाई और जिसके रिजल्ट में ये मांझा यहाँ अटक गया और इस पंछी की जान पे बन आई। पिछले कुछ दिनों से काइट फ्लाइंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है टाइम स्पेंड करने के लिए। मेरे लास्ट व्लॉग में मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे मांझे की वजह से उसमें एक पैरेट ने अपनी जान गंवाई थी और हमारी इन्हीं हैबिट्स की वजह से कई पक्षी डेली मर रहे हैं। आज भी इन भैया ने अगर ना देखा होता तो ये पक्षी भी अब तक मर चुका होता। और कितनी खुशी की बात है सेफली वो जो है कौवा अपना फ्लाई कर गया। दैट्स ग्रेट, वेरी अप्रिशिएटिंग।